इस वीडियो में ए अल्फाबेट से बनने वाला सारी इम्पोर्टेंट कमांड देखेंगे, जिसमें पहला है अलाइन। तो अलाइन जो है पहला टूल होगा ए अल्फाबेट से, जिसका शॉर्टकट ए एल होता है। अगर हमें ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है तो हम उनको कर सकते हैं। अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो अल्फाबेटिकली बताया जा रहा है, इसमें हम सभी टूल को कवर तो जरूर करेंगे, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम सब टूल को डिटेल में बताएंगे। डिटेल वाली वीडियो आगे आएंगी, तो आप सिर्फ इतना देखिए कि ए से क्या क्या हो सकता है जो इम्पोर्टेंट है। ए से आर्क होता है, ए एंटर करते हैं यानी ए प्लस एंटर तो आर्क बनता है, और कौन सा आर्क बनेगा, थ्री पॉइंट आर्क बनेगा, यानी किसके लिए, तीन पॉइंट सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है एरे। एरे एक बार में मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाता है, वो हो सकता है कि रेक्टेंगुलर यानी कि रोज एंड कॉलम के रूप में बनाना हो, या फिर हो सकता है कि वो एक सेंटर के अबाउट अर्थात पोलर फॉर्मेट में बनाना हो। आइटम्स सपोज 10 हमने पोलर फॉर्मेट में बनाना हो, या फिर हो सकता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट हो और इसको किसी पाथ के अनुसार बनाना हो। तो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमने इसको सेलेक्ट किया और ए एंटर करते हैं, सॉरी ए आर एंटर, और फिर पाथ सेलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि कर्व के अनुसार बनना है, तो हम अलाइन को ऑफ कर देते हैं और एंटर दबाते हैं, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो है एरिया टूल। एरिया टूल इम्पोर्टेंट टूल है और डबल ए इसका शॉर्टकट होता है, डबल ए एंटर, और ये हमें अलाउ करता है कि आप कॉर्नर्स पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, और जैसे आपका वर्क पूरा हो जाए अर्थात पूरी एरिया जब फिल हो जाए तो आप एंटर दबा दें। अब आपको एरिया और पेरीमीटर दोनों मिल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल आपको पता होगा कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट होता है जब तक हम इसको एक्सप्लोड ना किए हों, इसलिए डबल ए एंटर करते हैं और राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। अब थोड़ा जल्दी आ गया, एरिया और पेरीमीटर दोनों, हालांकि इसको भी कॉर्नर कॉर्नर सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। यहाँ पर हमारे पास है एक रेक्टेंगल और उसके अंदर सर्कल, तो रेक्टेंगल भी खुद में एक ऑब्जेक्ट है और सर्कल भी, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और इन दो ऑब्जेक्ट का ये वाला एरिया निकालना है और जो सर्कल वाला एरिया है वो माइनस कर देना है। चलिए देखते हैं, तो हमें क्या करना होगा, डबल ए एंटर करना होगा, राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर ऐड एरिया पर क्लिक करेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट जिसमें से माइनस करना है, एंटर, और फिर राइट क्लिक करेंगे, सब्ट्रैक्ट एरिया करेंगे और फिर राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट जिसको सब्ट्रैक्ट यानी कि जिसको घटाना है, एंटर करते हैं और फिर ये हमें टोटल एरिया मिल गया। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो ए अल्फाबेट से बन सकते थे। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम लोग देखेंगे बी अल्फाबेट, तो बने रहिए कैट ट्रेनिंग वर्ल्ड के साथ।